इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में 7 सीटर और 8 सीटर एमपीवी कार्स के बहुत ही कम ऑप्शन अवेलेबल हैं और उन गिनी चुनी गाड़ियों में से भी कुछ ही गाड़ियां अच्छे से इंडिया में बिक पाती हैं। पिछले 2-3 महीनों में ही इंडिया में 3-4 नई एमपीवी कार्स लॉन्च हुई हैं। लेकिन किस कार ने अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दी है, मतलब किस कार ने अच्छी सेल निकाल कर दी है, ये तो उन गाड़ियों का सेल फिगर ही बताता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी महीने में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी कार्स के बारे में और हाल फिलहाल इन्हीं 7 सीटर एमपीवी कार्स को इंडिया में पसंद किया जा रहा है। तो आई रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली ऑटोमोबाइल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फरवरी 2020 में टोयोटा वेलफायर पूरे भारत में 10वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी कार रही। फरवरी महीने में टोयोटा वेलफायर की करीब 42 यूनिट्स की सेल हुई है। इंडिया में टोयोटा वेलफायर पिछले ही महीने लॉन्च हुई है और लॉन्च होने के बाद से टोयोटा वेलफायर ने काफ़ी अच्छी सेल निकाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार की तो सिर्फ 42 यूनिट ही बिकी हैं, फिर ये 10th पोजीशन पर कैसे आई? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टोयोटा वेलफायर एक प्रीमियम लग्जरी एमपीवी कार है और इंडिया में टोयोटा वेलफायर की शुरुआती शुरू कीमत ही करीब 80 लाख रुपये के आसपास से शुरू है। तो ऐसे में दोस्तों 42 यूनिट बिकना भी बहुत बड़ी बात है। इस कार में आपको आलिशान डिजाइन एंड लुक के साथ साथ इंटीरियर में कई सारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर मिलते हैं जो कि इस कार को एक शानदार लग्जरी एमपीवी कार बनाते हैं। टोयोटा वेलफायर में काफी पावरफुल इंजन भी दिया गया है। इस कार में 2.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया गया है और ये कार 180 पास्कल की पावर और 235 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। ये कार सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आती है और इस कार के टॉप वेरियंट में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का भी ऑप्शन दिया गया है। 9th पोजीशन पर है डेटसन गो प्लस। फरवरी महीने में डेटसन गो प्लस की करीब 60 यूनिट्स की बिक्री हुई है। इंडिया में डेटसन गो प्लस कम कीमत में मिलने वाली काफी शानदार 7 सीटर एमपीवी कार है, लेकिन इंडिया में इस कार को उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली है और लोग इसे इतना ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इस कार की सेल्स तो काफी कम है, लेकिन फिर भी ये कार 9th पोजीशन पर आ गई है क्योंकि सेगमेंट में बाकी गाड़ियों के सेल्स भी काफी कम है। इंडिया में डेटसन गो प्लस की शुरुआती शुरू कीमत करीब 4,30,000 रुपये के आसपास से शुरू होकर करीब 7 लाख रुपये के आसपास तक जाती है और दोस्तों इस कीमत में डेटसन गो प्लस आम आदमी के लिए 7 सीटर कार का काफी अच्छा ऑप्शन है। इस कार में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 68 पास्कल की पावर और 104 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है और इसी के साथ इस कार में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। 8th पोजीशन पर है टाटा हेक्सा। फरवरी महीने में टाटा हेक्सा की करीब 152 यूनिट्स की बिक्री हुई है। टाटा हेक्सा की सेल्स भी पिछले कुछ टाइम से गिरती जा रही है। इंडिया में टाटा हेक्सा काफी अच्छी बजट प्रीमियम एमपीवी कार है। इंडिया में इस कार की शुरुआती शुरू कीमत करीब 13 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक जाती है और इस कार में 2.2 लीटर का वेरिएक्टर डीजल इंजन दिया गया है जो कि 156 पास्कल की पावर जनरेट करता है। ये कार मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आती है और टॉप वेरिएंट में आपको 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है। 7th पोजीशन पर है महिंद्रा मराजो। महिंद्रा मराजो की फरवरी महीने में करीब 1,236 यूनिट्स की बिक्री हुई है। महिंद्रा मराजो इंडिया में सबसे सेफ एमपीवी कार मानी जाती है क्योंकि इस कार को ग्लोबल एनसीएपी ने क्रैश टेस्ट में काफी अच्छी रेटिंग दी है जो कि सेगमेंट के बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफी अच्छी है। फिर भी दोस्तों महिंद्रा मराजो की इंडिया में उतनी ज्यादा सेल नहीं हो पाती है, जिससे साफ साफ पता लगता है कि इंडिया में लोगों को सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। कार बस सस्ती होनी चाहिए और देखने में अच्छी होनी चाहिए, चाहे उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी भी हो। इंडिया में महिंद्रा मराजो की शुरुआती शुरू कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर 15 लाख रुपए के आसपास तक जाती है और इस कार में आपको 1500cc का मतलब 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है और ये कार मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आती है। कार में 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं और वहीं दोस्तों महिंद्रा मराजो में अच्छे काफी लुक के साथ साथ इंटीरियर में भी कई सारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर मिलते हैं जो कि इसे एक काफी अच्छी एमपीवी कार बनाते हैं। दोस्तों 6th पोजीशन पर है हाल ही में लॉन्च हुई किया कार्निवल, जो कि किया मोटर्स की इंडिया में लॉन्च हुई दूसरी गाड़ी है। ये एक प्रीमियम एमपीवी कार है। किया कार्निवल ने भी किया सेल्टोस की तरह इंडिया में काफी धमाकेदार एंट्री की है और लॉन्च होते ही किया कार्निवल ने काफी अच्छी सेल निकाली है। फरवरी महीने में किया की प्रीमियम एमपीवी कार किया कार्निवल ने 1,620 यूनिट्स की बिक्री की। हालांकि ये सेल्स फिगर किया कार्निवल की कॉम्पिटिटर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को टक्कर नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी इस कार ने काफी अच्छी सेल निकाली है। अच्छी सेल का मतलब ये है कि किया कार्निवल ने भी लोगों का थोड़ा थोड़ा भरोसा जीत ही लिया है। अब आने वाले टाइम में किया कार्निवल कैसी परफॉर्मेंस देती है ये तो टाइम ही बताएगा। किया कार्निवल में आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ही आता है। इंडिया में किया कार्निवल की शुरुआती शुरू कीमत करीब 25 लाख रुपए से लेकर 33 लाख रुपए के आसपास तक जाती है और इस कार में भी आपको शानदार डिजाइन एंड लुक के साथ साथ इंटीरियर में कई सारे प्रीमियम एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर मिलते हैं जो कि इसे एक शानदार एमपीवी कार बनाते हैं। लिस्ट में 5th पोजीशन पर है आर्टिका का प्रीमियम वर्जन मारुति सुजुकी XL6, जो कि मारुति के प्रीमियम डीलरशिप चेन नेक्सा शोरूम में बिकती है।
मारुति सुजुकी एक्सएल सिक्स की फरवरी महीने में करीब 3,886 यूनिट्स की बिक्री हुई है। ये कार भी हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुई है और लॉन्च होने के बाद से करीब 3-4 हजार यूनिट्स की बिक्री आराम से हर महीने निकाल कर दे देती है। मतलब हर महीने मारुति सुजुकी एक्सएल सिक्स की सेल्स भी काफी कंसिस्टेंसी से बरकरार है। एक्सएल सिक्स में आपको प्रीमियम डिजाइन एंड लुक के साथ साथ इंटीरियर में कई सारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर मिलते हैं और साथ ही में इस कार में 1.5 लीटर का पेट्रोल BS6 इंजन दिया गया है जो कि 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। इस कार में 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। फोर्थ पोजीशन पर है रेनॉल्ट की बजट MPV कार रेनॉल्ट ट्राइवर। रेनॉल्ट ट्राइवर भी दोस्तों पिछले ही साल इंडिया में लॉन्च हुई है और लॉन्च होने के बाद से ये कार भी काफी अच्छी और कंसिस्टेंट सेल निकाल कर दे रही है। फरवरी महीने में रेनॉल्ट ट्राइवर की करीब 3,955 यूनिट्स की बिक्री हुई है और हर महीने रेनॉल्ट ट्राइवर भी 3-4 हजार यूनिट की सेल निकाल कर दे ही देती है और रेनॉल्ट ट्राइवर रेनॉल्ट की क्विड के बाद इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। इंडिया में रेनॉल्ट ट्राइवर की शुरुआती शुरू कीमत करीब 5 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर 7 लाख रुपए के आसपास तक जाती है। रेनॉल्ट ट्राइवर में आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है जो कि 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। कार के इंटीरियर में आपको कई सारे विरोध और काम के फीचर मिल जाते हैं और इस कार का इंटीरियर में स्पेस भी कस्टमाइजेबल है जिसकी वजह से दोस्तों कम कीमत में रेनॉल्ट ट्राइवर भी इंडिया में MPV कार का काफी अच्छा ऑप्शन है। थर्ड पोजीशन पर है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की फरवरी महीने में करीब 5,459 यूनिट्स की बिक्री हुई है। हर महीने टोयोटा इनोवा क्रिस्टा भी काफी कंसिस्टेंट सेल निकाल कर देती है और इंडिया में प्रीमियम MPV कार सेगमेंट में पूरे भारत में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली MPV कार है। इंडिया में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की शुरुआती शुरू कीमत करीब 15 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर 23 लाख रुपए के आसपास तक जाती है और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में आपको काफी पावरफुल पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। ये कार 7 सीटर है और इस कार में आपको स्टाइलिश डिजाइन एंड लुक के साथ साथ इंटीरियर में भी कई सारे प्रीमियम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर मिलते हैं जो कि इसे एक शानदार MPV कार बनाते हैं। सेकंड पोजीशन पर है मारुति सुजुकी इको। फरवरी महीने में मारुति सुजुकी इको की करीब 11,227 यूनिट्स की बिक्री हुई है। हर महीने मारुति सुजुकी इको भी काफी अच्छी सेल निकाल कर देती है और इस कार को दोस्तों फैमिली यूज के बजाय कमर्शियल यूज में ज्यादातर लाया जाता है। इंडिया में मारुति सुजुकी इको सबसे सस्ती 7 सीटर कार है जिसकी वजह से इस कार की सेल्स काफी अच्छी आती है क्योंकि मारुति सुजुकी इको का इंडिया में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर भी नहीं है। इंडिया में मारुति सुजुकी इको में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल BS6 इंजन मिल जाता है जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। इंडिया में मारुति सुजुकी इको की शुरुआती शुरू कीमत करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर 4,90,000 रुपए के आसपास तक जाती है। दोस्तों लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन है मारुति सुजुकी आर्टिगा। फरवरी महीने में मारुति सुजुकी आर्टिगा की करीब 11,782 यूनिट्स की बिक्री हुई है। पूरे भारत में मारुति सुजुकी आर्टिगा सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली फैमिली MPV कार है। इस कार की शुरुआती शुरू कीमत करीब 8 लाख रुपए के आसपास से शुरू हो जाती है और 11 लाख रुपए तक जाती है। मारुति सुजुकी आर्टिगा में आपको 1.5 लीटर का BS6 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है जो कि 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। कार में आपको दोस्तों कीमत के हिसाब से अच्छा खासा लुक मिल जाता है और इंटीरियर में भी कई सारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर मिलते हैं जो कि इसे एक काफी अच्छी बजट MPV कार बनाते हैं। ये कार कंपनी फिटेड CNG किट के ऑप्शन में भी आ जाती है। मारुति सुजुकी आर्टिगा में कम कीमत में अच्छा पैकेज मिल जाता है जिसकी वजह से आम आदमी के लिए आर्टिगा 7 सीटर कार का पहला ऑप्शन है।